वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोलन क्लासिफिकेशन का पर्टिकल पार्ट। और इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग लेके चल रहे हैं लाइब्रेरी साइंस का, और इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे लाइब्रेरी साइंस की, कैसे हम इसके क्लास नंबर बनाते हैं। तो आज इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया सिंस 1986। तो हम आज से डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको बनाना। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में बताया था कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें PMESTs यानी कि पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसे डिफाइन करेंगे कि ये क्या है इंडिविजुअल। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लासिफिकेशन रिसर्च लाइब्रेरी इंडिया 1986। तो इसे हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे PMESTs के फॉर्म्स में। तो सबसे पहले हमें इसमें मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि मतलब इजी टू हार्ड, यानी कि सबसे पहले हम टाइम को देखेंगे। तो यहाँ पे हमें ये बदल दिया, टाइम है, ये हमारा टाइम है 1986, ठीक है। तो इसका नंबर क्या है, इसको हमें पहले फाउंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारा ये टाइम निकल गया। इसके बाद हमें देखना है स्पेस क्या है। तो स्पेस हमारा, ये इंडिया हमारा स्पेस है, ठीक है। तो ये हमारा स्पेस हो गया इंडिया। सेकेंड नंबर पे इसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास PMESTs यानी कि हमारा टाइम हो गया, स्पेस हो गया, और हमें अब हमें एनर्जी देखनी है। तो एनर्जी हमारे अंदर, हमारे यहाँ पे क्या हो सकती है, क्लासिफिकेशन रिसर्च लाइब्रेरी एंड इंडिया, हमारे पास ये तीन, सॉरी, क्लासिफिकेशन और रिसर्च लाइब्रेरी, हमारे पास दो चीज़ें बची, और ये हमारे पास टाइम और स्पेस हमने निकाल ही लिया है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये हमारा एनर्जी में जा सकता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन करना, यानी कि जो अभी हम कर रहे हैं वो भी क्लासिफिकेशन ही है। कोलन क्लासिफिकेशन भी हमारी क्लासिफिकेशन स्कीम है, जिसमें कि हम क्लास नंबर निकालते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करना एक तरह से। तो ये हमारे, ये एनर्जी का एक पार्ट है। तो ये हमने ले लिया एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी हमारी यहाँ हो गई क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो हमने बेसिकली, हमने पहले सेग्रीगेट करते हैं नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि इजी टू हार्ड, यानी इसे हम लोग ये भी कहते हैं मेथड प्रिंसिपल ऑफ रेसिड्यू यानी कि अवशेष का सिद्धांत। इससे हमें ये आसानी होती है कि हम लोग पहले अलग अलग चीज़ों को कर लेते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये हमारा जो स्कीम है, कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम है, एनालिटिको सिंथेटिको स्कीम है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं, फिर सिंथेसिस करते हैं, और फिर हम लोग इसको मतलब क्लास नंबर देते हैं, यानी कि पहले हम चीज़ों को तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, और फिर हम क्लास नंबर बनाते हैं। तो ये हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। तो हमने पहले इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लिया, और अब इसे हम नंबर देंगे, ठीक है। अभी हमारा बचा है इसमें हमें मैटर देखना है। मैटर हमें कहीं दिख नहीं रहा है इसमें, एक्चुअली हमें यहाँ पे केवल पर्सनैलिटी दिख रही है रिसर्च लाइब्रेरी के रूप में। तो हम लोग पर्सनैलिटी नोट कर लेंगे यहाँ पे, हमारी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी जो है हमारी, ये हमारी रिसर्च लाइब्रेरी, ठीक है, रिसर्च लाइब्रेरी, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें पांचों के पांचों तक तो हर एक प्रॉब्लम में मिल जाए। तो हमें जो मिलता है उसी को हम लोग सर्च करते हैं और उसे क्लास नंबर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें चार प्रॉब्लम है, हमारे जो चार PMESTs के मतलब जो फंडामेंटल कैटेगरीज के तत्व हैं, इसमें हमें चार मिले हैं, और चार को हम लोग सर्च करके पहले इसको नंबर देते हैं, और फिर हम इसे पूरा क्लास नंबर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि टाइम किस में हम सर्च करेंगे। टाइम को सर्च करने के लिए हम टाइम आइसोलेट में जाएंगे, जो कि आपको टाइम आइसोलेट 2.7 पेज पे देखने को मिलेगा। तो हम 2.7 पेज पे चलते हैं पहले। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग मेथड ऑफ रेसिड्यू को फॉलो करते हैं, यानी कि अवशेष विधि का, जिसमें कि हम लोग निम्न से उच्च की ओर तरफ जाते हैं, यानी कि सबसे पहले टाइम निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्पेस, फिर एनर्जी, फिर मैटर, फिर पर्सनैलिटी। तो इसी प्रकार से हम सबसे पहले टाइम को लेके चलेंगे। तो टाइम को निकालने के लिए हम लोग टाइम आइसोलेट को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप 1986 हमें निकालना है, तो हम टाइम को देखने के लिए यहाँ से देखते हैं कि 1986 किसके अंदर लाइक कर रहा है, किस सिम्बॉलिक किस सिंबल के अंदर लाइक कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि आपके टाइम आइसोलेट है, और यहाँ पे जो काल बिफोर क्राइस्ट के जो काले
A1 और इस तरह से पहले जो एक मैसेज कॉल के अलग अलग सिंपल अलग अलग अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से हमें 1986 लेना है, तो ये किस सीरीज के अंदर लाइक कर रहा है हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1986 आप देख पा रहे हैं, ये जो आपका 1986 है ये इसके बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है, 1900 टू 1999 के बीच में, ठीक है। तो हम लोग जनरली टाइम को निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी ये एन जो है एक सेंचुरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये 1900 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या करना होता है, 1986 नंबर बनाना है तो केवल हम एन लिखते हैं और जो बचा हुआ डिजिट होगा, चाहे 86 है, 87 है, 10 है, 20 है, जो भी बचा हुआ डिजिट होगा उसे एज इट इज लिख देंगे, तो ये हमारा एन 1986 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा 1986 का नंबर बन गया N86, ये हमारा N86 बन गया आपका 1986, ठीक है। इसी प्रकार हमें स्पेस लेना पड़ेगा क्योंकि स्पेस का नंबर है, स्पेस यहाँ पे इंडिया दिया हुआ है, इंडिया का नंबर लेने के लिए हमें अब हमें स्पेस आइसोलेट पे आना पड़ेगा जो कि हमें 2.18 पेज पे दिया हुआ है, तो हम 2.18 पेज पे जाएंगे। ये ज्योग्राफिकल इंडेक्स दिख रहा है तो इसमें हम लोग देखेंगे इंडिया का नंबर, ठीक है। अभी एज चल रहा है तो हमें आई पे जाना है, आई पे हम लोग जाएंगे। ये अल्फाबेटिकली ए टू जेड इस तरह से दिया हुआ है, जिसे डिक्शनरी में हम लोग सर्च करते हैं सेम यहाँ पर भी हम लोग सर्च करेंगे। तो हम लोग आई को देखेंगे कि आई का नंबर क्या है, सॉरी मैं आगे निकल गई शायद, यस इंडिया, यस आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंडिया का नंबर 44 दिख रहा है, ठीक है। चूँकि ये मुझे पता था, फिर भी हमें आपको आपसे परिचय कराना था इस चीज़ का, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेके आए। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इंडिया का नंबर दिया है 44, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इंडिया का 44 नंबर ले लेंगे, ये हमारा इंडिया का नंबर बन गया 4, ठीक है, ओके। अब हमारा बच्चों के एनर्जी, तो एनर्जी के हम लोग फिर जाएंगे किस पे, हम लोग एनर्जी के लिए जाएंगे जो 2.30 हमारी जो मेन क्लास की लाइब्रेरी साइंस की उस पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि हमने इंडिया का नंबर ले लिया, टाइम का ले लिया नंबर, अब हमारे पास बच्चा के एनर्जी और पर्सनैलिटी का नंबर लेना है, तो उसके लिए हम लोग मेन क्लास वाले मतलब उस पेज पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है कि मेन क्लास क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे रिसर्च लाइब्रेरी दिख रही है, रिसर्च लाइब्रेरी, तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि इसकी मेन क्लास क्या होगी। अगर सपोज फिर भी नहीं लगता आपको आइडिया, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि आप इसमें जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें आप जाएंगे, लास्ट में दिया हुआ है इंडेक्स, तो उसके थ्रू भी आपको मालूम मिल जाएगा कि ये आप इसकी मेन क्लास क्या है, तो वो हम नेक्स्ट में बताएंगे। लेकिन इससे आपको क्लियर हो जाएगा रिसर्च लाइब्रेरी किसका मतलब किस मेन क्लास के अंदर आएगी। तो रिसर्च लाइब्रेरी जनरली लाइब्रेरी साइंस का ही पार्ट है और लाइब्रेरी साइंस के अंदर आएगी, ठीक है। तो इसकी मेन क्लास क्या होगी, लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। तो इसमें मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस होगी, तो हम लोग इसकी जो हमारे पास पर्सनैलिटी है, एनर्जी है, उसको सर्च करने के लिए हम इसके मेन क्लास के पेज पे जाएंगे और मेन क्लास का पेज है लाइब्रेरी साइंस, जो कि 2.30 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि एनर्जी क्या है, ठीक है, एनर्जी क्या है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन हमें सर्च करना है किसमें, एनर्जी पार्ट पे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन से आपको फोसाई ई दिख रहा है ना यहाँ पे, यानी कि एनर्जी का पार्ट है, तो हमें इसमें क्लासिफिकेशन देखना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लासिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा फोसाई इन ई कम टू पी, तो ये सारे बेसिकली क्या है कि आपको इन्हीं पे फोकस करना है, इन्हीं मतलब इन्हीं रो में से फोकस करना है कि अगर आपको ई देखना है तो आपको यहाँ पे सर्च करना है, अगर फोसाई इन पी लिखा हुआ है तो आपको अगर पर्सनैलिटी देखनी है तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे। तो इसमें ही उन्होंने बता दिया कि आपको पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के लिए से फोकस करना है, मैटर के लिए इस पर फोकस करना है, एनर्जी के लिए इसे फोकस करना है। तो इन्हीं हम मतलब इन्हीं को फॉलो करते हुए यहीं पे सर्च करेंगे, हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से देख लिया कि क्लासिफिकेशन का नंबर हमें क्लियर क्या मिला, 51, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 51 क्लासिफिकेशन का नंबर ले लिया। अब हमारा क्या बचा, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या है, रिसर्च लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि साइन पी, यानी कि हमें इस पर फोकस करना है पर्सनैलिटीज के लिए, और हमारी पर्सनैलिटी क्या है, रिसर्च लाइब्रेरीज, तो हमें रिसर्च का नंबर देखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 36 रिसर्च का नंबर है, तो ये हमारी पर्सनैलिटी भी है और हमारा यहाँ पे हमने पर्सनैलिटी में से सर्च किया रिसर्च, ठीक है। तो ये हमारा 36 का नंबर हमने यहाँ पे नोट आउट कर लिया, ठीक है। तो हमारा ये 36 हो गया, और चूंकि हमारा ये लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास है
तो इसमें मेन क्लास का नंबर 2 है लाइब्रेरी साइंस, जो मेन क्लास का नंबर 2 दिया हुआ है और ये इसका फेसिट फॉर्मूला भी दिया है, ठीक है। तो ये हमारी जो मेन क्लास है वो 2 है। तो मेन क्लास हर कोई भी हम लोग जब नंबर निकालते हैं तो उसकी मेन क्लास जरूरी होती है लिखना, और लाइब्रेरी साइंस हमारी जो मेन क्लास है वो 2 है। तो यहाँ पर हमने मेन क्लास भी लिख लिया, ये 2 है, ठीक है, मेन क्लास 2। अब हमें बस क्या करने की जरूरत है, अब हमें बस नंबर बनाने की जरूरत है, ठीक है। ये टाइम था, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें नंबर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, PMEST के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो एक आप यहाँ रूल नोट कर लीजिएगा, यदि मेन क्लास के बाद तुरंत पर्सनैलिटी आ जाती है तो आप कॉमा जो सिंबल होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपकी मेन क्लास क्या है, 2, ठीक है, और उसके बाद तुरंत पर्सनैलिटी क्या आ गई, 36। उसके बाद क्या है आपका, एनर्जी, PMEST, यानी कि मैटर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे एनर्जी का प्रयोग करते हैं, और एनर्जी के लिए हम लोग कौन सा सिंबल प्रयोग करते हैं, कोलन का। तो हमने सीधे कोलन लगाया और हमने कोलन के बाद क्या लिख लिया, 51, ठीक है। और इसके बाद क्या बचा हमारे पास, हम लोग PMEST, इसके बाद हमारा पी हो गया, एम है नहीं हमारे पास, ई लगाया हमने, एस फिर स्पेस लगाएंगे, और स्पेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉट का प्रयोग करते हैं। स्पेस के लिए हमने डॉट का प्रयोग किया और हमने 4, 4 लिया। इसको 44 कभी नहीं बोलते हम लोग, इसे 4, हम लोग इसे 4, 4 बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा बचा क्या, 9L86, जो कि हमारा टाइम है। तो हम लोग टाइम के लिए क्या करते हैं, जल्दी सिंगल इनवर्टेड कॉमा और हमारा एन और 86, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा नंबर है ये हमारा बन गया रिसर्च लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया सिंस 1986। तो ये हमारा पूरा नंबर बन गया क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया सिंस 1986, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरी प्रॉब्लम बनाने वाले हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। Yes. हाँ, ये आपकी सेकेंड प्रॉब्लम है, एक्सेशन ऑफ साउंड बुक्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइब्रेरी ऑफ दिल्ली इन विंटर ऑफ 2020। तो इसमें आपको कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी, इसलिए इस प्रॉब्लम को लेके आए हैं। तो इसको भी मैंने 5 भागों में अलग अलग तोड़ लिया है। तो जैसे कि अभी पहले भी हम डिस्कस किया था कि सेस विधि का सिद्धांत हम लोग इजी टू हार्ड ले गए, सबसे पहले टाइम को लेंगे, स्पेस, फिर मैटर, फिर एनर्जी और फिर पर्सनैलिटी। तो टाइम का नंबर निकालने के लिए हम लोग फिर टाइम आइसोलेट पे जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा आप देख पा रहे होंगे कि टाइम के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें इसमें दी हुई है, विंटर ऑफ 2020। और जैसे कि आप इसमें भी टिप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी 2 चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि आपका जो टाइम 2 प्रकार के, टाइम 2, टाइम 1, ठीक है। तो यहाँ पे विंटर ऑफ 2020 लिखा है, यानी कि हमें 2 टाइम यूज़ करने पड़ेंगे, टाइम 1 और टाइम 2 दोनों। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले यानी कि टाइम 1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने उसमें निकाला था आपका 1986, तो इसी प्रकार हम 2020 के लिए क्या करेंगे कि हमसे पहले लिखेंगे 2020 किस किस के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 2020 आपका ये पी के बीच में आ रहा है, हाँ ना, 2020 इसी के बीच में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले P20 ये हमारा बन गया, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, ये हमारा सिंबल रहता है टाइम का, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो विंटर है, तो विंटर किस में आ रही, टाइम 2 में आ रही हमारी विंटर, ठीक है। और विंटर का नंबर क्या है, N7। तो हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा के N7, तो ये हमारा पूरा जो है ये हमारा टाइम का नंबर बन जाएगा। तो हम लोग क्या नंबर देंगे इसका, टाइम के लिए हम लोग यहाँ देंगे इसमें, लेकिन बस एक बात ध्यान देने वाली होती है कि हम लोग ऐसा नहीं कि विंटर पहले आए तो विंटर का नंबर दे देंगे, हम लोग को टाइम 1 पहले देना है, फिर टाइम 2 देना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो नंबर होगा P20 और फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा N7, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो नंबर है, हमारा जो ये P20 और N7, तो ये हमारा जो पूरा नंबर बना है ये हमारा विंटर ऑफ 2020 का बना, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग दिल्ली का नंबर निकालेंगे, दिल्ली के नंबर के लिए फिर मुझे टेबल पे जाना पड़ेगा। आपको दिख पा रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ पर दिल्ली,
अगर आपको यहाँ पे डबल नंबर दिखे तो आप एक काम कर सकते हैं, आप दोबारा ना स्पेस उसमें जो आपका स्पेस आइसोलेट की जो इंडेक्स है ना वहाँ पर पहुँच जाएँ, तो वहाँ पे आपको क्लियरली नंबर दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको दो नंबर मिलने तो आप स्पेस चले जाइए, स्पेस आइसोलेट की जो मेन टेबल है यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि वो दो नंबर क्यों आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये नंबर आपका, ये आपका 441 वहाँ पर भी दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि जब आपको कभी दो नंबर दिखाई दे तो आप इस पे आप जंप करेंगे, इंडेक्स पे ना जाके आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो एक्चुअल नंबर कौन सा है। तो आपका यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इंडिया का नंबर, सॉरी दिल्ली का नंबर जो है ये 4451 है। अगर मैं वहाँ से बता देती तो भी आपको कन्फ्यूजन होती, इसलिए हम लोग इस इंडेक्स पे आपको लेके आए, ठीक है। जो शेड्यूल है बेसिकली हमारा स्पेस का, उस पे हम लोग लेके आए, ठीक है। तो आप यहाँ से 4451 इसका नंबर ले लेंगे। यहाँ पे आपका जो नंबर है 4451, ठीक है। और आपका बचा है मैटर और एनर्जी और पर्सनैलिटी, इसके लिए हमें मेन क्लास पे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो इसके मेन क्लास क्या है, हमारे लाइब्रेरी की बात हो रही है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइब्रेरी की बात हो रही है, तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि ये हमारा जो मेन क्लास की है वो लाइब्रेरी साइंस है। तो हम लाइब्रेरी साइंस पे जा रहे हैं 2.30 पेज पे, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने जैसे बताया कि आपको टाइम निकल गया, स्पेस निकल गया, मैटर एनर्जी और पर्सनैलिटी बची हमारे पास। तो मैटर के लिए यहाँ पर मैटर लिखा हुआ है, तो हम मैटर में सर्च करेंगे। मैटर क्या है? साउंड बुक। तो यहाँ पर बताया कि सेम एज फोसाई इन पी फॉर जेनेलियर बिबलियोग्राफी। अगर हम लोग मैटर देखेंगे, साउंड बुक हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा मुझे। और इसमें लिखा है सेम एज फोसाई इन पी फॉर जेनेलियर बिबलियोग्राफी। आपको जेनेलियर बिबलियोग्राफी में जाना पड़ेगा और आप पहले उसमें जाइए, ठीक है। यहाँ पर जेनेलियर बिबलियोग्राफी दिख रहा है और इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि जेनेलियर बिबलियोग्राफी में जो भी मैटर है उसे हम एज अ पर्सनैलिटी देखेंगे, ठीक है। हमारे इंस्ट्रक्शन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, सेम एज फोसाई इन पी फॉर जेनेलियर बिबलियोग्राफी, फोसाई इन ई कम टू पी, यानी कि जो भी सेम एज फोसाई इन पी दिया हुआ है उसे हम मैटर की तरह प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो हमने जो भी जेनेलियर बिबलियोग्राफी में जो भी हमारे पास मैटर है वो हम एज अ पर्सनैलिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें हमारे हमें देखना है साउंड बुक, ठीक है। साउंड बुक यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि हमारी ये जो साउंड बुक है वो पर्सनैलिटी के अंतर्गत आ रही है, बट वहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो भी पर्सनैलिटी की तरह चीजें आ रही हैं यहाँ पर वो हम लेंगे मैटर की तरह, एज अ मैटर ट्रीट करेंगे। तो ये जो हमारा साउंड बुक है हमारा मैटर है और इसका नंबर है हमारा 30, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 30 ले लेंगे। तो हमारा ये जो मैटर है ये हमारा 30 हो गया, ठीक है। और हमारे पास बचा एनर्जी और पर्सनैलिटी। तो एनर्जी और पर्सनैलिटी के लिए फिर हम लोग जाएंगे 2.30 पे, 2.30 पे हमें जाना है। ये हमारा 2.30 हमारा एक्सीशन देखना है, तो एक्सीशन किस में आ रहा है हमें देखना है बेसिकली। ये हमारा एक्सीशन 84 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा 84 हमारा एक्सीशन एनर्जी के अंदर आ रहा है, 84 एक्सीशन, ठीक है। और फिर बोलता है हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारा क्या है यहाँ पे, गवर्नमेंट का नंबर क्या है यहाँ पे, हाँ यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का 48 है ना, तो यहाँ पर आपका 48 आपको मिल गया, मेरे को भी दिख नहीं रहा है। तो ये आपका पूरा नंबर बन गया, बस आपको क्या करना है, बस पुट करना है और नंबर आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं लास्ट में नंबर बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिजिक फार्मूला है, यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगी टू मेन क्लास, ठीक है, टू आपका टू मेन क्लास। और जैसे मैंने बताया कि जब मेन क्लास के तुरंत बाद आपकी पर्सनैलिटी आती है तो हम लोग जो कॉमा का होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो 48 है, तो बिना कॉमा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बिना कॉमा का प्रयोग किए हुए उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, क्या आता है पर्सनैलिटी के बाद हम लोग मैटर का प्रयोग करते हैं। मैटर के लिए हम लोग किस सिंबल का प्रयोग करते हैं, सेमीकोलन का, ठीक है, हम लोग की सेमीकोलन का प्रयोग, ठीक है। मैटर क्या है हमारे पास, 30 PM। उसके बाद क्या होता है एनर्जी, एनर्जी क्या है हमारी 84, और 84 के पहले हम लोग कौन से सिंबल लगाएंगे, कोलन, क्योंकि हमारा कोलन जो हो वो एनर्जी का ही एक सिंबल है, ठीक है, और ये हमारा 84 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, PME, एस बचा, एस के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, डॉट, डॉट है हमारा स्पेस का सिंबल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, स्पेस हमारा 4451, ठीक है, डेली का नंबर है ये।
और इसके बाद हमारा बचा टाइम, टाइम के लिए हम डॉट सिंगल डॉट कॉमा लगाएंगे। आपका जो पूरा नंबर है ये आपका बना एक्सेशन ऑफ साउंड बुक इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइब्रेरी दिल्ली इन विंटर ऑफ 2020। ठीक है, तो ये आपका पूरा नंबर बन गया। तो इस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए और एक नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं हम। और ये हमारा जो लाइब्रेरी साइंस का चैप्टर है आई थिंक इसमें पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे एक नया चैप्टर, वो लिटरेचर में भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो भी चैप्टर्स हैं उनको मतलब कुछ प्रॉब्लम्स के साथ कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो आई होप इसे क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके चलते हैं हम लोग उसकी। सब्जेक्ट डिवाइस होती है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट डिवाइस का प्रयोग किया गया है। जैसे अगर हम बात कर लें कि हमारे पास रिलीजियस लाइब्रेरी है, ठीक है, तो रिलीजियस का नंबर दिया हुआ है, रिलीजियस लाइब्रेरी। ये एक्चुअली दिमाग में आ गया तो मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, लाइब्रेरी तो ये बेसिकली क्या है, जब एक मेन क्लास के अंदर कोई नई मेन क्लास आती है तो हम उसको सर्कुलर ब्रैकेट में यूज कर सर्कुलर ब्रैकेट में लिखते हैं और उसको इस तरह से नंबर देते हैं। जैसे कि हमारी टू लाइब्रेरी साइंस है और इसमें बता दिया गया कि ये रिलीजियस लाइब्रेरी, यानी कि रिलीजन भी हमारी एक अलग मेन क्लास है जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसमें अदर के लिए यहाँ पे फोर सिंबल दिया हुआ। ठीक है, तो हमारा ये जो एग्रीकल्चर, अगर हमारा इसका नंबर बन रहा है रिलीजियस लाइब्रेरी का, तो हम लोग इस तरह से जो दूसरी मेन क्लास है क्यू, क्यू हमारे रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये हमारी अदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा जो बन जाएगा, ये हमारा रिलीजियस लाइब्रेरी का नंबर बन जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा इसमें ही अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर लाइब्रेरी आ गया सपोज, तो एग्रीकल्चर का होता है जे, तो अगर हमारा एग्रीकल्चर लाइब्रेरी का आ जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस इस तरह से बनाएंगे और हमारा जे एग्रीकल्चर लाइब्रेरी का हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमारे सपोज हमारा हो गया लॉ लाइब्रेरी का नंबर आ गया, लॉ लाइब्रेरी, तो लॉ लाइब्रेरी में क्या होता है कि लॉ का नंबर होता है जेड, कैपिटल जेड, और जो भी मेन क्लास होती है ना यहाँ पे वो सारी कैपिटल लेटर्स में होती है। तो हमें अगर लॉ लाइब्रेरी का नंबर बनाना है तो हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे, बस हमारा ये सिंपल ये हमारा लॉ लाइब्रेरी नंबर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट डिवाइस का प्रयोग हो रहा है। तो जब लोग डिवाइस पढ़ाएंगे ना, तो सब्जेक्ट डिवाइस का कैसे प्रयोग करते हैं वो हम डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें थी इसीलिए हमने इसको मतलब इससे फैमिलियर कराया और इसे डिटेल में हम अगले चैप्टर अगले लेक्चर्स में बताएंगे। एक प्रॉब्लम को हम लोग और लेके चलते हैं। ये आपकी लास्ट प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रही हूँ लाइब्रेरी साइंस की। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलेंगे, लैंडिंग ऑफ पीरियडिकल्स इन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफ राजस्थान इन समर ऑफ 1872। तो इसमें भी हमने इसको अलग अलग जो पीएमएचटी फॉर्म में तोड़ लिया है और सबसे पहले टाइम को लेके चलते हैं, समर ऑफ 1872। ठीक है, तो जैसे कि हमने भी नंबर पहले भी बनाया था कि समर इसको, इसमें हम लोग जो नंबर बनाएंगे वो टाइम वन टाइम टू दोनों को प्रयोग में करते हुए बनाएंगे। ठीक है, तो समर ऑफ 1872, तो ये पहले सबसे पहले 1872 जो कि टाइम वन में लाइक कर रहा है, तो इसको हम लोग नंबर बनाएंगे 1872। तो 1872 इसके एम के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एम आपका एम 1800 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बचा क्या आपके पास 72, तो ये हमारा एम 72 का सॉरी 1872 का नंबर बन गया। ठीक है, और समर का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, समर का है N3, तो ये हमारा हो गया N कितना था समर का, आपका समर का N3। ठीक है, तो ये N3, तो ये हमारा जो पूरा हो जाएगा सिमेट्रिक कॉमा सॉरी सिंगल इनवर्टेड कॉमा एम 72 इनवर्टेड कॉमा N3, ये हमारा पूरा जो है 1872 का नंबर हो गया। ठीक है, समर ऑफ 1872। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बन गया समर ऑफ 1872, ये 3 है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, स्पेस का नंबर बनाना राजस्थान का। तो हम लोग राजस्थान के लिए हमें टाइम आइसोलेट पे सॉरी स्पेस आइसोलेट पे जाना पड़ेगा, 2.18 पे जाना पड़ेगा और ये इसके आगे मिलेगा आपको 2.1 स्पेस आइसोलेट, ये स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ से भी ले सकते हैं लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है इसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं मिलता। ये आपको राजस्थान का नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा 4437। ठीक है,
तो ये हमारा राजस्थान का नंबर मिल गया 4437। ठीक है, ये हमारा 4437 में नंबर लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जैसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये हमारा मेन क्लास में जाएगा लाइब्रेरी साइंस, और हम लाइब्रेरी साइंस पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, तो हम इस पे जाएंगे। अब इसको हमें जो मैटर एनर्जी और पर्सनैलिटी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे सीधे, हम लोग उसके लिए जाएंगे सीधे मेन क्लास 2.30 पेज पे। ठीक है, और 2.30 पेज आपको बस इसके आगे ये हमारे पास क्या बताया, मैटर एनर्जी और पर्सनैलिटी। मैटर क्या, हमारा पीरियडिकल, पीरियडिकल जैसे आप जानते हैं ना, पीरियडिकल से बहुत कुछ ना कुछ, जैसे पत्रिका होंगे, मैगजीन हो गए, आपके सीरियल हो गए, सारी चीज़ें पीरियडिकल्स आती हैं। तो पीरियडिकल आप पीरियड मत समझिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं, ये पीरियडिकल्स है ना कि पीरियड। ठीक है, तो पीरियडिकल में मैगजीन, सीरियल्स, पत्रिकाएँ, सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये पीरियडिकल कहलाता है, और पीरियडिकल का नंबर हमें मैटर में देखना है। ठीक है, मैटर ये, ठीक है, तो पीरियडिकल का नंबर हमें देखना है। यहाँ पे पीरियडिकल हमें दिख रहा है, यहाँ पर हमें पीरियडिकल्स नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि अगर हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है सपोज, तो हम बैक ऑफ पेज पे जाएंगे, क्योंकि इसने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अगर आपको सेम एज फॉर साइंस पी फॉर जनरल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो हमें अगर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो हम जाएंगे सीधे आपके जनरल वाले पेज पे। ठीक है, और हमारे पास जनरल दिख गया, यहाँ पे हमें पीरियडिकल देखना है। यहाँ पे हमें यहाँ पे 46 में पीरियडिकल दिख गया। ठीक है, तो हमारा ये 46 हमारा पीरियडिकल का नंबर हो गया, 46 हमारा पीरियडिकल नंबर हो गया। ठीक है, अब हमें हमें ढूंढना है लैंडिंग। ठीक है, और लैंडिंग के लिए हमें फिर लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास पर जाना पड़ेगा। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास हमारी यहाँ पर दी हुई 2.30 पेज पर, हमें लैंडिंग देखना है। लैंडिंग क्या है, हमारी एनर्जी। ठीक है, एनर्जी में हम लोग इसी में देखेंगे। तो ये हमें दिख रहा है 62 हमारा ये हमारी लैंडिंग हो गई। ठीक है, तो हमने 62 हमारा लैंडिंग का नंबर हमें लिख लिया, ये हमारा 62 हमारा लैंडिंग का नंबर हो गया। ठीक है, अब हमें पर्सनैलिटी देखनी है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है लोकल, और लोकल के बगल में डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास पर्सनैलिटी का नंबर ही मिल गया 21। ठीक है, 21 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। तो ये हमारा पूरे जो भी हमारे पी एम ई एस टी हमने तोड़ा था, तो ये हमारे पांचों नंबर हमें मिल गए पी एम ई एस टी के फॉर्म में। अब हमें केवल क्या करना है, इसका नंबर पुट करना है जो हमारा फेसिट फॉर्मूला में। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, एक सेकेंड में सेव कर देती हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग कि मेन क्लास क्या है, इसकी मेन क्लास की हम लोग नोट कर देते हैं। यहाँ पे मेन क्लास हमारी जो है वो लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी साइंस का नंबर क्या है 2। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले मेन क्लास। ठीक है, और हमने बताया था कि अगर मेन क्लास के तुरंत बाद पर्सनैलिटी आती है, तो हम लोग कॉमा का प्रयोग नहीं करते, सीधे पर्सनैलिटी का नंबर देते हैं। और पर्सनैलिटी यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी 221। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास पी एम, एम का मैटर हमारे पास आया, मैटर क्या है 46, और मैटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है सेमी कॉलन। ठीक है, हम लोगों ने मैटर का सिंबल लगाया और उसका हम लोगों ने डिजिट लिखा 46। ठीक है, और पी एम ई यानी कि एनर्जी, एनर्जी का सिंबल कौन सा होता है कॉलन, और उसको हम लोग एनर्जी को हम लोग यहाँ से 62 लेंगे। ठीक है, उसके बाद बचा हमारे पास स्पेस एंड टाइम। स्पेस के लिए हम डॉट का प्रयोग करेंगे, और स्पेस हमारे पास क्या है 4437। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या बचा हमारे पास टाइम। टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंगल इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं, सिंगल इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे एम। दोबारा नोट कर देती हूँ उसको, मैं दोबारा नोट करती हूँ। हमने हमने मेन क्लास में पहले 2, मेन क्लास हमारी 2 आ गई। ठीक है, और हमने बताया था रूल आपको कि अगर पर्सनैलिटी मेन क्लास के बाद अगर तुरंत पर्सनैलिटी आती है, तो
तो हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का, सॉरी कॉमा का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। और हम लोग फिर उसके बाद मैटर का प्रयोग करते हैं। मैटर का जो सिंबल है वो सेमी कोलन है, ठीक है, और मैटर है 46, यहाँ पे 46 का। फिर हम लोग एनर्जी के लिए सिंबल लेते हैं कोलन, और यहाँ पे एनर्जी जो है हमारे पास 62 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्पेस का लेंगे डॉट, और स्पेस का नाम नंबर है 4237। और फिर हमारे पास टाइम बचा, और टाइम के लिए हमारे पास है M72, और फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको अगर हमारे पास दो टाइम है तो हम दो बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो ये जो हमारा पूरा जो नंबर है वो हमारा बन गया लैंडिंग ऑफ पीरियोडिकल्स इन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफ राजस्थान इन समर ऑफ 1872, ठीक है। तो हमारा ये पूरा नंबर बन गया है। तो आई होप आपको ये लाइब्रेरी साइंस का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, चैप्टर। और अब हम लोग नए चैप्टर में डिस्कस, नए सेशन में डिस्कस करेंगे जो भी इसका नया चैप्टर होगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कीप लर्निंग।